ओके बेटा, सलाम वालेकुम। दाना मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो आपको बताना है कि क्लीनर एजुकेशन कैसे काम करते हैं। आपसे मैंने वादा किया था कि आपको मैं लैब दूंगा, तो इस सिलसिले के अंदर पहली बात ये कि इसकी कोडिंग है। ये कोडिंग मैं आपको ग्रुप पे डाल देता हूँ। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, तीन चार स्टेप्स हैं। पहला ये कि रिमूव ब्लैंक रोस एंड ब्लैंक कॉलम्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा। ये डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर जो है अगर आपके इसके ऊपर जो है कोई ब्लैंक रॉ आ रही है और कॉलम के अंदर कोई ब्लैंक कॉलम आ रहा है तो आप सबसे पहले इसको हटा देंगे, ठीक है, सही। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइल करवाएंगे, इसको सेव एस करवाएंगे, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद इसको सेव करेंगे सी एस वी के अंदर, ठीक है बेटा। इसमें सी एस वी के अंदर इसको सेव करवाएंगे, एक्सेल के अंदर सेव मत करवाएगा, सी एस वी में सेव करवाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ सी एस वी क्या है, वो सी एस वी यहाँ पर है, ठीक है बेटा। इसको आप सेव करवाएंगे, सेव करवाने के बाद आपने जो है यहाँ पे लिखा है सी एस वी और इसको करवा दिया आपने सेव, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हुई भी है, इस वजह से जो है ये आपको कह रहा है रिप्लेस इट कह रहा है वो, तो मैं कह देता हूँ हाँ ये आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो आपके पास मैं यस कह देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया। अब ये कोड आ गया, इस कोड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पहली बात ये कि इसकी जो हेडर फाइल्स हैं वो यही है हमारे पास, पैंडाज एंड पी डी, नंपाई एज एन एम नंपी, मैटलिब प्लॉट डेट पी एल टी। अच्छा, उसके बाद एस के लर्न, जो लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये मौजूद है, एज इट इज इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। मेट्रिक इम्पोर्ट मीन स्क्वायर एरर जो निकालना होता है उसके लिए है, इम्पोर्ट मैथ आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा लिंक है। जो चेंज होगा आपके पास वो ये चेंज होगा, ठीक है बेटा, ये आपके पास चेंज होगा। मैं इसको जो है कलर का चेंज कर देता हूँ, तो ये मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पर, और रेड करने के बाद इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, आप को लैब पे काम नहीं कर रहे, तो इसमें होगा क्या कि आपने पूरा लिंक या पाथ बताना होगा। मगर यहाँ पे हम को लैब पे काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा कि को लैब की फाइल का ही लिंक जाएगा इसके अंदर, बाकी चीज़ें कोई इसमें ऐसी नहीं है। इसमें आपके पास डेटा डेटा सेट जो है हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे, ये बताने की जरूरत है। अब ये जो है आपके पास ये वाली चीज जो है आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप ये वाली चीज इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, आपने इसको ये इस्तेमाल करना है, ये देखिए आप, तो हमें इसको इस्तेमाल करना है। ये मैंने चेंज करके लिखा है, ये वाली चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, ये वाली इस्तेमाल करनी है। डेटा सेट हाउस प्राइस डॉट सी एस वी आप इसको यूज करेंगे, इसको मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने ये यूज करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास साइज डेटा सेट स्क्वायर फिट लिविंग है और प्राइस रिलेटेड प्राइस है। इसमें दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप लाई जा रही है। पहली बात ये कि स्क्वायर फिट घर कितने स्क्वायर फिट पर है, नंबर टू जो इसके प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है, हम उसकी ये बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपके पास वी हैव लीनियर रिग्रेशन प्लस फिट इस ट्रेनिंग मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन का एक फंक्शन है जहाँ पे कॉल हो रहा है, ये जो फंक्शन है वो लीनियर रिग्रेशन का है जो हमको कॉल कर रहे हैं और फिट कर रहे हैं मॉडल को एक्स और वाई के हिसाब से। उसके बाद क्या है, रिग्रेशन मॉडल ये है मीन स्क्वायर्ड एरर एक्स ओमा वाई, जो जिसको हम एमएससी कह रहे होते हैं, वो आपके पास कैलकुलेट होकर इसके अंदर प्रिंट करवाएगा कि कितना जो है एमएससी मौजूद है, मैथ स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल एमएससी जो प्रिंट करवाएगा आर स्क्वायर्ड वैल्यू, सही है। ये आपके पास एडवांस स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, तो मॉडल डॉट स्कोर एक्स ओमा वाई आर स्क्वायर्ड वैल्यू, जो आर स्क्वायर की वैल्यू है हम उसको बता रहे होंगे। उसके बाद करेगा प्रिंट मॉडल डॉट कोफिशियंट, कोफिशियंट की वैल्यू आपको दिखाएगा यहाँ पे, इंटरसेप्ट की वैल्यू दिखाएगा आपके पास, और ये ग्राफ प्लॉट कर देगा। उसके अंदर होगा क्या, कलर से ग्रीन होगा, सही है। और उसके बाद क्या है, प्रिडिक्ट करेगा, ये ब्लैक से प्रिडिक्ट करेगा लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या प्राइजेस है। अच्छा, इस लाइन से अगर ज्यादा है या इस लाइन से अगर कम है, तो अगर लाइन से कम है इसका मतलब ये कि आपने अंडर वैल्यू किया है इसको, अगर लाइन से ज्यादा है आपने बात क्या किया, आपने ओवर वैल्यू जो है आपने इसकी कीमत लगाई है। उसके बाद साइज प्राइजेस और प्रिडिक्ट करके बता देगा आपके पास। तो फाइनली जो आपके पास जवाब आएगा वो लाइन, अगर लाइन से पहले है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, तो आपके पास पहले हम उसको चलाकर देखते हैं और उसको ग्राफ बना देते हैं क्या है क्या नहीं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को क्लिक करेंगे फाइल, पहले आप ऐसा करेंगे इस कोड को क्लिक कर लें, फ्रेश बना लें इसको, ये वो लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर जो इस लाइन के बियॉन्ड है, यानी कि ये लाइन इतना पैसे होने चाहिए, अब कुछ चीजें यहाँ पर जा रही हैं, सही, उसके माने ओवर प्राइस है, या कुछ चीजें जो नीचे आ रही है इसमें मतलब अंडर प्राइस है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो ये वैल्यू थी, हमने इसको उठाया यहाँ से,
ठीक है, और हमने इसको कंट्रोल सी किया और हमने इसको कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गए, आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। अब आपके पास क्या होगा, हम इस वैल्यू को क्लिक करेंगे फाइल्स के अंदर जाके, फाइल्स के अंदर जाने के बाद आपके पास आप इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप सी एस वी देखिए इस तरह से सिंपल होगा इसका, सही है, कौन सा अपडेट वैल्यू देखिए आपके भाई एक्सेल शीट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये देखिए सी एस वी वैल्यूज आ रही है, हम उसको क्लिक करेंगे और हम उसको ओपन करवा लेंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको रीनेम फाइल करना है, पूरे को कॉपी कर लेना। तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया और कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद आपने क्या किया, इसको भी आपने, ये असल में एक ही लाइन पे आ गया, इसको आपने यहाँ रखा और आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ठीक है बेटा, आपके पास अब आपने क्या किया, इसको रन किया। जैसे आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बन के आएगा, ये लीनियर रिग्रेशन ग्राफ है। अब इसमें आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये लाइन जो है ये एक स्टैंडर्ड लाइन है और इसके इधर और उधर की वैल्यूज चाहिए, 6000 गज है ये, इसके प्राइजेज है हमारे पास, तो ये प्रिडिक्शन कर रही है आपके पास। तो ये दो वैल्यूज है जिसको मैं बताना चाह रहा था और मैंने कहा था आपको लैब करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, आज की क्लास का लेक्चर यही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।